हम लोग ऐसे जितने भी एग्जाम हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, हिंदी का एक ऐसा लेवल पढ़ रहे हैं कि जिसको कंप्लीट करने के बाद आप हिंदी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में बैठे, आपका एक भी प्रश्न छूटने न पाए। उस लेवल के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी देखिए क्या कि हिंदी का ये 17वां चैप्टर चल रहा है। कौन सा चैप्टर है? आप कहेंगे ये है आपका 17वां चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला, जो कि इस पूरे हिंदी का सबसे अलग उसका बेस है, उसका आधार है हिंदी वर्णमाला। इसे हम कितने भागों में बांटे थे? आप कहेंगे दो भागों में। पहला भाग कंप्लीट हो गया, कौन सा? व्यंजन, क्योंकि जो वर्ण है हिंदी में दो होते हैं, एक व्यंजन दूसरा स्वर, तो 50% कंप्लीट हो गया, जो कि एक अलग पैटर्न में था। अब मुझे लगता है आपको पढ़ के बहुत मजा भी आया होगा, क्योंकि वो ऐसा लेवल था कि अगर गंभीरता से पढ़ लें दोबारा किसी बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्या कि आज हम लोग स्वर पढ़ने चल रहे हैं। हम आपसे एक बात बोले थे कि देखिए जो हिंदी पढ़ने का तरीका है, जैसे हमको चलना चाहिए, वास्तव में हम वैसे चल रहे हैं। यहाँ ग्राल मेल जैसे तैसे ये चीज नहीं है। पहले आइए हम लोग स्वर को पढ़ते हैं और मन से पढ़ा जाएगा, बस आप लोग पेशेंस रख के आराम से समझते चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, जैसे व्यंजन था तो व्यंजन स्वरों की सहायता से लिखा जा रहा था। इसका मतलब कि स्वर क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं, इनको लिखने के लिए किसी की मदद की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, बल्कि ये क्या करते हैं कि व्यंजन में जाकर के चिपक जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। अब देखिए समझिएगा, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11, यानी कि 11 है, और संस्कृत में स्वरों की संख्या क्या है? 9 है। ये चीज जो है अभी तक शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे कि संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है। ये देखिए जो है टीचिंग के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, बीएड है, NHGRF हो गया, ऐसे एग्जामों में, बाकी तो हम देखे नहीं है, उनमें हमको मिला था। ये जो है टीचिंग के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, क्योंकि जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? आप कहेंगे मुख्य रूप से देखा जाए तो संस्कृत से ही हुई है। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 और हिंदी में स्वरों की संख्या 11, मगर इसमें भी जो 11 स्वर है, इसमें एक जो 11वां स्वर अलग से आ जाता है ना, री, ये जो है ऋषि वाला जो है, ये संस्कृत से लिया गया है। आप इस पर फोकस करेंगे, यह किससे लिया गया है? संस्कृत से, समझिएगा। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद या प्रकार कितने होते हैं? दो। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो। जैसे एक बाप है और उसके बेटा पैदा हो गए दूधों, तो हो सकता है वो कैसे निकलेंगे, आप बताइए। जैसे कि कोई भी है, कल को आप भी बाप बनेंगे तो आपके बच्चे होंगे, तो कैसे निकल सकते हैं, आप बताइए। कहेंगे एक तो लायक निकलेगा और दूसरा नालायक निकलेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई भी चीज लगभग लगभग उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो उसकी दो कंडीशन बनती है। तीसरी कंडीशन होती है जो बाद में आती है, वो तो संगत पर डिपेंड करती है, वो बीच बीच वाला होगा, जैसे कभी अच्छा कभी बुरा, जैसे दोस्त वैसा व्यवहार, तीसरी संगति तो बाद में बदलती है। मगर उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के, एक छोटा एक बड़ा। एक पैदा हुआ जो नालायक था वह छोटा रह गया, एक जो चालाक था वह क्या हो गया? बड़ा हो गया, वह गुरु बन गया या चेला ही रह गया। मेरी बात को समझ रहे? ह्रस्व या लघु या मूल स्वर कौन सा है? पहला। दीर्घ गुरु या संधि स्वर कौन सा है? दूसरा। विकल्प में किसी भी नाम से पूछ देगा, विकल्प में क्या है किसी भी नाम से आ जाए, बताइए निम्नलिखित में सर कौन सा लघु स्वर है? अब दे दिया विकल्प में, निम्नलिखित में से कौन सा गुरु स्वर है? तो हो सकता है आप गुरु से पकड़ लें कि नहीं, हाँ यार गुरु का मतलब गुरु होते हैं, चेला से बड़े होते हैं, यानी कि दीर्घ स्वर पूछ रहा है। देखिए हम इस पर डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के बावजूद जब प्रैक्टिस सेट लगाए तब आपको ऐसा ना लगे कि कुछ शब्द नए मिल रहे हैं,
क्योंकि जनरली होता यही है, यूट्यूब पर या कहीं पर भी आप पढ़ते हैं ना तो काफी चीजें छूट जाती हैं। हमारी क्लास जो है लेट लाने का एक रीजन यह भी रहता है कि जो क्लास मिले आपको दोबारा कहीं से लेनी ना पड़े। और हाँ, ये 17वां चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है, इसके बाद 3 चैप्टर और हैं। इसके बाद हिंदी में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ लेंगे, हमारी हिंदी पूरे तरीके से किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीट हो जाएगी। पर्यायवाची विलोम लोकोक्ति मुहावरा, ये जो है ना ये आपको अपने से पढ़ना है, क्योंकि पर्यायवाची रटने वाला है, विलोम शब्द रटने वाला है, लोकोक्ति मुहावरा जो है जो कहावत होती है यह सब रटने वाले हैं, तीनों अलग हैं, इनकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो अब हम लोग समझते हैं कि भाई जो है टोटल स्वर होते हैं 11, और इन्हीं 11 स्वरों को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये जो 11 स्वर है कौन कहाँ कहाँ गया है, सबसे पहले आप उन 11वों स्वर को समझिएगा। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वो 11 स्वर है कौन से, फोकस करिएगा। औ आ ई ठीक है, ऊ ए ऐ ओ, टोटल कितने हो गए, आप गिनती करिए टोटल कितने हो गए, और आ से लेकर के ओ तक आप कहेंगे 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, कितने स्वर हो गए, ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे 10। ये जो चैप्टर हमको पढ़ना है, हिंदी के स्वर वाला जो चैप्टर हमको पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ कितने स्वरों के आधार पर इसकी पढ़ाई होगी, आप कहेंगे सिर्फ 10 स्वरों के आधार पर पढ़ाई होगी। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि हिंदी में जो स्वरों वाला चैप्टर है यह पूरा चैप्टर कितने आधार पर नाचेगा। ये पूरा चैप्टर जब भी आप पढ़ेंगे, कोई पॉइंट पढ़ेंगे, कोई टॉपिक, कोई परिभाषा, हर जगह आपके दिमाग में 10 स्वर 10 स्वर 10 स्वर, ये मतलब एकदम भरा जाना चाहिए कि नहीं 10 स्वर पढ़ना है, होते 11 हैं, तो 11वां स्वर कौन सा है, वहां से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संस्कृत स्वर है जो कि हिंदी में भी प्रयोग होता है, ऐसा कौन सा स्वर है जो एक संस्कृत का स्वर है जिसे हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, हम शब्द लिख रहे हैं, समझिएगा हम लोग अप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो लिखते हैं मातृ अवकाश, क्या लिखते हैं, मातृ अवकाश, पितृ अवकाश, मातृ पितृ, ये सब लिखते हैं कि नहीं, ऋषि, इन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये जो आपको त्र दिखाई दे रहा होगा ये 11वां स्वर है, ऊपर के 10 स्वर, और ये कौन सा है, 11वां स्वर, लघु स्वर है। इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, जो पहला स्वर है लघु स्वर, इसके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या टोटल कितनी है, आप कहेंगे इनकी संख्या टोटल 4 है। जो ये ऋषि र है केवल संस्कृत में प्रयोग होता है, और जिसकी वजह से इसे भी लघु स्वर में रख दिया गया है। भाई एक व्यक्ति है कि जो कि जिसको हर जगह तवज्जो नहीं मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है तो आप देखेंगे उसको गरीब भी मानते हैं, अमीर भी मानते हैं, जहां जाया जाएगा हर जगह उसको माना जाएगा। तो जिस व्यक्ति को हर जगह इज्जत सम्मान मिलता है वो बड़ा होता है, वह दीर्घ होगा, गुरु होगा, बड़ा होगा। जिस व्यक्ति को खाली एक जगह जो है संस्कृत में तवज्जो मिल रहा है, कहाँ, सिर्फ एक जगह संस्कृत में, इसका प्रयोग भले हिंदी में हो रहा है मगर हिंदी में इसका कोई उतना वजूद नहीं है। तो हम आपसे कहें ना कि जिसका जैसे होता है मान सम्मान हर जगह होता है, वह दीर्घ होता है, वह गुरु होता है, वह बड़ा आदमी होता है, और जिसका एकाक जगह हो जाए तो वह हमेशा कौन सा होगा, कहेंगे छोटा आदमी होगा। तो ये जो ऋषि वाला रे है यह क्या होगा, लघु होगा, विकल्प आ गया। निम्नलिखित में से ये स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर जो है, लघु स्वर, प्लुत स्वर, तीन आते हैं ना। उत्पत्ति के आधार पर स्वर जो है दो ही होते हैं, और ऐसे पूछेगा कि स्वर कुल कितने होते हैं तो आप कहेंगे 3 होते हैं। अब
संपत्ति के आधार पर कितने होते हैं? दो होते हैं। तो विकल्प में तीन विकल्प दे दिया, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, और दे दिया पुनूत स्वर। आप यहाँ देखेंगे ना तो मान देंगे दीर्घ स्वर, ये आपसे गलती हो सकती है, इसलिए हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि जो ऋषि रवाड़ा होता है वह केवल संस्कृत में प्रयोग होता है, जिसकी वजह से उसको लघु स्वर में रखा गया है। स्वर टोटल कितने हैं? आप कहेंगे कुल मिलाकर जो स्वर है 13 अर्थ हुए। ऐसे देखा जाए तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, क्योंकि ये जो आपके दो है ये संस्कृत के स्वर हैं जिनका हिंदी में प्रयोग नहीं होता। मेरी बात को आप समझे, हम कहना क्या चाहते हैं, ऊपर के 10 स्वरों का प्रयोग हिंदी में रेगुलर होता है और हिंदी पूरी इन्हीं पर चलती है। ऊपर के 10 स्वरों का प्रयोग हिंदी में रेगुलर होता है। पूरी हिंदी जो है 10 स्वरों पर चलती है। 11वां स्वर जो ऋषि र है, इसका प्रयोग हिंदी में होता है मगर कभी कभी। जबकि दो ठो ऐसे स्वर हैं अंग अह, इनका प्रयोग हिंदी में बिल्कुल नहीं होता। ये जो है जो बात हम कह रहे हैं, आप कहीं पर भी जाके देख लीजिएगा, कोई आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि हिंदी जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जो मेरा बेस्ट है, मेरा बेस्ट सब्जेक्ट संस्कृत है। वास्तव में अगर हम कहें तो हम संस्कृत के टीचर हैं, क्योंकि मेरा बेस, मेरा आधार, मेरा सब कुछ संस्कृत है। समझ रहे हैं मेरी बात में? तो जो आपके 13 स्वर दिखाई दे रहे हैं, 13 स्वरों में 10 स्वर जो है हिंदी के हैं, एक स्वर संस्कृत वाला हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कुल कितनी हो जाती है? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या 11। अब दो ठो ऐसे स्वर हैं अंग और अह, जैसे होता है ना मोह, जैसे हो गया आपका गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, तो पिछवा दो ठो हलंत लग जाता, ये विसर्ग लग जाता है ऐसे, तो ये संस्कृत में प्रयोग होता है, इसलिए इन दोनों पर आप फोकस नहीं करेंगे। आप मेरी बात को क्या समझे? लघु स्वर कुल कितने हैं? 4 है। लघु स्वर कुल कितने हैं? 4 है। एक तो आपका हो गया ऋषि र, तो 3 ठो कौन है? आप बताइए 3 कौन है? अब इसी में से आपको 10 में से छांटना है। ये जो ऊपर वाले 10 हैं, इन्हीं में से 3 को और छांटना है, लघु स्वर, छोटा स्वर। आप कहेंगे छोटी ई छोटा उ, दो तो हो गया ना, छोटी ई छोटा उ, दो तो मिल गया, एक ठो और कौन है इन सब में छोटा? तो आप कहेंगे ये अ है। देखिए, हमारा जो पढ़ने का तरीका होता है वो लाजवाब होना चाहिए। हम ऐसे पढ़ाई करें कि वो 50 लोग को समझा सके कि नहीं भाई, कोई पूछ दे कि 13 तो स्वर है मध्य, हम लोग LKG UKG में पढ़ते थे अ आ ई ई ओ ऊ ए ऐ ओ औ अं ङ, हम लोग तो 13 तो पढ़ते थे मध्य, उस समय जो है 12-13 थे। तो ये सब कवंशी कैसन कैसन हैं, कहाँ से आए हैं, तो आप डिफाइन कर सके, नहीं भैया देखा कुल 13 थे उमन जोन, उमन से 10 थे हिंदी में लगातार भिड़न, 10 थे का प्रयोग हिंदी में खूब बोला, रमेश गणेश देखा तो पर एक मात्रा लगा भी ऐसे कह सके। और उसके बाद 10 के बाद भैया देखा जिसे मात्र अवकाश, पितृ अवकाश लिखा जाला, तो उम्र ऋषि र जो होता है, या हम लोग ऋषि लिखते हैं, ऋषि मुनि वाला, तो उसमें जो होता है वो देखा भैया संस्कृत का शब्द जेकर हिंदी में कभी काल के प्रयोग हो जाला, ये बदी ओहू के जोड़ जा के टोटल कितना हो जाना? 11। तो फिर कहेगा कि अच्छा ये अंग और अह क्या है? एक तो ये बता दिए हरिभो हम लोग पढ़ते हैं स्वर में अंग और अह, तो कहेंगे कि ये हिंदी का नाम हूँ, संस्कृत का। तो आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि पूरी हिंदी 10 स्वरों पर चलेगी, ये संस्कृत का सहायक था, सिर्फ एक जगह यहाँ प्रश्न बनता, और लघु स्वरों की टोटल संख्या हो गई 4। 4 कौन से हैं? पहला आपका अ है, और दूसरा आपका छोटकी वाली ई है, और तीसरा आपका छोटका वाला ऊ है। ये हम बदल दिए, छोटकी वाली ई है, छोटका वाला ऊ है,
और चौथा तो ऋषि का वाला है, यह है बेहद आसान, एकदम मजेदार, एकदम आसान, एकदम बकवास, आपका भी विकल्प बनाए उड़ा देंगे। अब बात आती है दीर्घ स्वर, जो गुरु स्वर है यह कौन कौन से होते हैं। तो भाई अब जितने बचे होंगे ऊपर से सब गुरु स्वर हैं, क्योंकि हाय तो दो संस्कृत के हैं, आय की सरकार ऑलरेडी प्रयोग हो चुका है, दो संस्कृत के हैं, इनसे कोई लेना देना है नहीं। तीसरा जो है आपका प्रयोग हो चुका है किसमें, लघु में, तो बाकी ऊपर जितने बचे सब गुरु स्वर है। हाँ, परिभाषा क्या है, इनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, कहाँ गया, हाँ एक मात्रा का समय लगता है, लघु में एक मात्रा, दीर्घ में दो मात्रा, प्लुत में आप कहेंगे तीन मात्रा, एक अलग से होता है प्लुत स्वर है जिसमें तीन मात्रा का प्रयोग होता है। और जब कोई पंडित उंडित कथा कहते हैं तो कहेंगे ओ, मतलब जो ओ शब्द रहता है उसको तीन बार रिपीट करते हैं तब जाकर के म बोलते हैं, आप समझे मेरी बात को, जो ये प्लुत स्वर है देखेंगे तो ओ और म के बीच में तीन लिखा है, ये तीन जो है हमारा पुरातन वाला तीन है। तो कोई पंडित उंडित रहते हैं ब्राह्मण तो बोलेंगे, हम लोग भी कोई नहीं बोलता है कि ओ, मतलब कि ओ को हम लोग तीन बार बोलते हैं तब जाकर के म बोलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि प्लुत स्वर में टोटल तीन मात्रा का समय लगता है, ये अलग है। फिलहाल में आप इस पर फोकस करिए कि दीर्घ स्वर में उच्चारण के लिए दो मात्रा का समय लगता है, इनकी संख्या टोटल कितनी है, सात है, कैसे सात है भाई, है टोटल दस और एक मिला के ग्यारह हुई, ग्यारह में से चार ऊपर ही टपक गए तो बचे कितने, सात, कौन कौन से हम लिख रहे हैं आप अभी लिखिएगा। मगर इसमें देखिए इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, एक मूल दीर्घ स्वर, एक संयुक्त दीर्घ स्वर, कौन कौन सा, एक मूल है दूसरा संयुक्त है, संयुक्त कौन है मूल कौन है लिखिएगा। देखिए जो ए है अय है ये संयुक्त है, फिर उसके बाद जो है ओ है और औ है, यह भी क्या है संयुक्त है, बचा क्या, आप कहेंगे एक आ बचा है, एक बड़ी ई है, एक बड़ा ओ है, यह है आपका हो गया मूल स्वर, कौन सा आ बड़ी ई बड़ा ओ, अब बाकी कौन से हो गए, आप कहेंगे संयुक्त स्वर, क्यों संयुक्त स्वर, ई ऊपर टपकते हैं कैसे, ऐसे समझिए कैसे, हम लिखते हैं रमे स, क्या लिखते हैं रमे स, आगे क्या लिखेंगे भ ग ना, क्या लिखेंगे भगवना, आप देखेंगे ना ये सब जो है ना अलग से जुड़ते हैं, क्या करते हैं अलग से जुड़ते हैं, एक मात्रा रमेश, एक मात्रा है क्या है रमेश, ऐसे ही एक मात्रा होता है, ऐसे ही ऊपर ओ का मात्रा होता है, ऐसे ही ऊपर औ का मात्रा होता है, तो ये जो चारों है जो ऊपर से आ करके टपक जा रहे हैं, मतलब ये अलग से आकर के जुड़ रहे हैं, अलग से जुड़ रहे हैं, तो इनको हम लोग किस में रखते हैं संयुक्त में, संयुक्त का मतलब कि दो लोगों का जोड़, अब मूल स्वर का मतलब उसके साथ में लगे रहेंगे, कैसे कहेंगे राम, अब देखेंगे ना तो ये बीच में भिड़ा हुआ है, ये कहीं अलग से नहीं है, ये जो है इनके साथ जुड़ा हुआ है, बिना आ के मात्रा राम बनी नहीं सकता, रम कहेंगे, रम का मतलब दारू हो जाएगा, पूरा अर्थ में बदल जाएगा, अब सिर्फ आ का मात्रा लग गया राम हो गया, तो ये जो मूल दीर्घ स्वर है लिखा है मूल, मूल का मतलब जड़ बेस जो होता है आधार, क्योंकि जो है ये आ का मात्रा जो है शब्दों के साथ एकदम मजबूती से जुड़ी है, उनका आधार है, उनके अर्थों का मेल है, राम हो आकमात्रा गायब हो गया, रम रम होता है दारू पीने वाला, पूरा अर्थ भी बदल जाएगा, तो इसलिए इसको कहा जाता है शब्दों का जड़ या शब्दों का मूल रूप। ये जो पढ़ने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, समझने का तरीका है, अगर ये एक हो गए ना तो उसके बाद यकीन मानिए हम लोग, जैसे हम क्यों कहते हैं कि देखो एग्जाम कोई भी है उसको निकालना बहुत आसान है, ऐसे जितने भी एग्जाम हैं
जो कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप का देते हैं। लिखित वाले तो मान लीजिए भाई उसके लिए बड़ी बड़ी कोचिंग है, या तो बहुत ज़्यादा स्टडी, बहुत ज़्यादा मेहनत लिखित वाले में, क्योंकि बिना नॉलेज के आप सटीक लिखेंगे नहीं। लिखते तो सब है, मगर सही और सटीक और कम में लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो वो तो अलग बात होगी। बाकी एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो बहुविकल्पी होता है, अगर हम सही से हर एक चीज को पढ़े तो कितनों कठिन से कठिन बहुविकल्पी पेपर आए हम लोग कर सकते हैं। और इसके लिए किसी कोचिंग की जरूरत पड़े ना पड़े कोई बड़ी बात नहीं है। 5 बज गया, अनाज अनाज कह रहे हैं, अजान शुरू हो गया है। हाँ, तो मुझे लगता है आप जो है मूल स्वर और संयुक्त स्वर का मतलब समझ गए होंगे कि भैया जो उनके साथ लगते हैं वह है अरे, ये मूल स्वर जो उनके साथ लगते हैं। जैसे क्या होता है, आप देखेंगे ई का मात्रा है, क्या है ई का मात्रा, पूछो बोलिए रहीम, क्या है रहीम। आप देखेंगे तो इसमें बड़ी ई का मात्रा लगा है रहीम। अगर इसमें से रहीम में से ई का मात्रा गायब कर देंगे तो हो जाएगा रहम। रहम मतलब किसी पर दया खाना, तो पूरा का पूरा अर्थ वही गायब हो जाएगा, एकदम अर्थ ही बदल जाएगा। क्योंकि तो इस पूरे शब्द की जो जड़ है, जो मूल है, वह ई का मात्रा पर टिका हुआ है। ई का मात्रा गायब, काम खारिज। रमेश में अगर आप जो है रमेश में से अगर एक मात्रा गायब कर देंगे ना, तब वो कौन फर्क उतना नहीं पड़ेगा, रमस रमेश समझ जाएंगे कि नहीं रमेश लिखा है। मगर यहां से अगर एक मात्रा गायब हुई तो ये कोई भी रहेगा सीधे रहम पढ़ेगा, रहीम नहीं पढ़ेगा, क्योंकि रहम एक अर्थ होता है। राम में से आ का मात्रा गायब, राम के बाद रम बनेगा, उसका भी एक अर्थ होता है। इसलिए ऐसे वाले जो स्वर है ऊपर वाले, इनको मूल स्वर बोला जाता है, आ ई ओ। अब बाकी जो ऊपर से आकर के टपकते हैं संयुक्त स्वर। एक बार हम इसको क्या करते रहे, देखिए रिविजन रिवाइज करते रहे, समझिएगा। हिंदी में स्वर कुल कितने होते हैं, आप कहेंगे 11 स्वर होते हैं। संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, आप कहेंगे 9 स्वर होते हैं। हिंदी में जो स्वरों का विभाजन है, उत्पत्ति पैदाइश के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर बिटवा का प्रयोग करके दो प्रकार के, एक तो अगर नालायक निकला तो छोटा बन जाएगा, तो उसको कहते हैं ह्रस्व या लघु स्वर। लघु स्वर, एक बेटवा जो है वो बड़ा आदमी बन जाएगा क्योंकि वो मेहनती था, तो उसको हम कहते हैं दीर्घ या गुरु स्वर। तो उत्पत्ति या पैदाइश के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। हिंदी में कुल कितने कितने स्वर होते हैं, आप कहेंगे 3 स्वर होते हैं। दो तो ये हो गए, एक तो इधर प्लुत दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए जो छोटका वाला है, इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। बड़का वाला जो है दीर्घ स्वर, इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। ये जो प्लुत स्वर है, इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। कंफ्यूजन दूर, कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल नहीं है। फिर क्या है, लघु स्वर में कुल कितने हैं, 4। एक ऐसा कौन सा स्वर है जो सिर्फ संस्कृत वाला था मगर हिंदी में कभी काल को प्रयोग कर लिया जाता है। आप कहेंगे वो वाला जो स्वर है ऋषि है, जो कि संस्कृत का है, मातृ अवकाश पितृ अवकाश ऋषि मुनि, तो वो आके हिंदी में भी उपयोग किया जाता है, मगर वो संस्कृत की वजह से लघु स्वर में रख दिया गया है कि सिर्फ एक जगह उसका महत्व है। फिर देखिए क्या है, हाई जो अंग और अह है, इनका भी प्रयोग हिंदी में होता है। आप कहेंगे कैसे, अगर हम आदि लिख दीजिए चंदन, क्या लिख दीजिए चंदन, और उसके बाद मंजन, क्या है मंजन, और एक जगह आपको पढ़ाए थे जैसे होता है आंख, ऐसे लिखते हैं कि नहीं। तो कभी काल को ये जो बिंदु है अंग, इसके पहले हम व्यंजन में पढ़ाए थे कि यह जो है एक अयोग वाह है, ये जो है विसर्ग है। अयोग वाह क्या होता है, इनकी संख्या टोटल कितनी है, 2। यह जो 2 बचे हैं ना, इन्हीं को क्या बोला जाता है, अयोग वाह। अगर विकल्प में जैसे एक प्रश्न बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अयोग वाह है, यही में से 4 विकल्प उठा के पटकेगा, यही में से 4 विकल्प उठा के पटकेगा,
देखिएगा कौन सा अयोगवाह है, तो आप कहेंगे भैया देखिए अयोगवाह दो होते हैं, एक अनुस्वार होता है दूसरा विसर्ग होता है। विसर्ग वाले को हम अह बोलते हैं, अनुस्वार का मतलब क्या है अंग है। दोनों स्वरों को मुख्य रूप से क्या बोला जाता है अयोगवाह बोला जाता है। आसान है एकदम, हिंदी में अयोगवाह कितने हैं दो, क्योंकि जब हम स्वरों का अध्ययन शुरू किए थे, जब हम स्वरों की पढ़ाई शुरू किए तो ऊपर के 10 पहले ही हो गए, एक यह भी हो गया, 11 स्वर हिंदी वाले पूरे पूरे खत्म हो गए। हयल के जी यू के जी गधैया गुल में जो है, जब हम लोग गधैया गुल में पढ़ते थे तो अं अह भी पढ़ते थे, तो ये दोनों तो कुछ ना कुछ होंगे तब तो पढ़ते थे, ऐसे तो पढ़ाई नहीं करते थे। तो वो दोनों क्या है अयोगवाह है, जिनको अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। ये जो आगे लगता है विसर्ग है, इसका प्रयोग कहाँ है, आप संधि, हिंदी में एक चैप्टर आता है संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यही विसर्गवा के सहारे जो बनी है विसर्ग संधि बनी है, इसलिए हिंदी वर्णमाला में इसको भी पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि जो संधि वाला चैप्टर है वो हिंदी का नहीं है, किसका है, वो संस्कृत का है, फिर भी हमें हिंदी में संधि पढ़नी पड़ती है, इसलिए इन दोनों को यहाँ पर जानना बिल्कुल जरूरी है। कि जो अंक मात्रा है अनुस्वार, ये चंदन मंजन में प्रयोग होता है इसका, और ये जो विसर्ग अह है इसका प्रयोग कहाँ होता है, आप कहेंगे इसका प्रयोग जो है विसर्ग संधि हम लोग पढ़ते हैं उस चैप्टर में है, जो कि एक संस्कृत का चैप्टर है। जो भाषा, जैसे कोई अंग्रेज आएगा, अब अंग्रेज को हिंदी सीखना है तो उसको हिंदी नहीं आएगी, कब तक नहीं आएगी, जब तक कि वह यह 17वां चैप्टर न पढ़ा हो। किसी भी भाषा को जानने, हिंदी को जानने के लिए सबसे पहले आपको इस 17वें चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए। व्यंजन में कौवा का, खटिया का, गधा का, घड़ी का, अंगा माने पूछना, वो व्यंजन था, जब आप उसको पढ़ेंगे तब कमल, नयन, पानी, अंकुश, ये सब शुरू करेंगे, ये बिल्कुल पढ़ देंगे तो पूरे तरीके से हिंदी को आप बनाना शुरू कर देंगे। व्यंजन पढ़ लिए तो व्यंजन के बाद आप पानी हो गया, नहाना हो गया, खाना हो गया, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ रहे हैं, जाना हो गया, स्वर को लगा करके उसमें स्वर और व्यंजन मिला दिए तो एक भाषा तैयार हो गई हिंदी। आसान है या नहीं है, आप कहेंगे बहुत आसान है, और हिंदी ऐसे ही बनी हुई है। अब देखिए क्या है, एक जो है ना जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब जो होता है, मुख्य रूप से हमारी पढ़ाई खत्म हो गई, किस आधार पर, हमें जो पढ़ना चाहिए था, जिसके आधार पर हमें नॉलेज लेना चाहिए था, वो पढ़ाई तो हमारी खत्म। अब यहाँ से थोड़ा मनोरंजन किया जाएगा, यहाँ से क्या है मनोरंजन होगा, और यहाँ की पढ़ाई जो है सिर्फ एग्जाम को लेकर के होती है, और इसको आप लोग ना ज्यादा दिमाग से मत लीजिएगा, एकदम आराम से मस्ती में बस समझिएगा, क्योंकि अब जो चीजें हैं दिमाग पर जोर देने वाली नहीं, मजा लेने वाली है, क्योंकि इनको जब हम लोग मजा लेके पढ़ेंगे ना तब याद होगा। क्या है जिह्वा, यानी कि जीभ के आधार पर स्वरों का प्रकार, जीभ से आप लोग स्वाद लेते हैं तब कौन प्रकार का लेते हैं, कह दिए कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा का मतलब जीभ जो है, जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे हमको तीन प्रकार का स्वाद मिलता है, एक होता है खट्टा, एक होता है मीठा, और दूसरा तीता। तो अगर संस्कृत का, अरे जो प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाए कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, आप कहेंगे भैया रोज मतलब हम लोग अथवा सोमवार, मंगल, बुध, पीपर को जो खाना खाते हैं वो तीन टाइप का मिलता है, या मार्केट में हम लोग कुछ खाते हैं तो तीन टाइप का होता है, कौन कौन खट्टा लगेगा, कौन मीठा रहता है, और कौन तीता रहता है। तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने हो गए, तीन प्रकार के हो गए। मेरी बात को समझ, बीच में एक ही व्यक्ति रह सकता है, क्या है मध्य अग्र पश्च, कौन है मध्य अग्र पश्च। मध्य में जो है आप सिर्फ पहले वाले को रखेंगे, किसको, पहले वाले को। तो यहां से आपको एक चीज तो आसान हो गया ना, कि मध्य में सिर्फ एक स्वर है, कौन सा है, अ है। उसके बाद जो है अग्र और पश्च है, जो अग्र स्वर है उसको याद करने के लिए आपको एक संख्या आज से हमेशा के लिए पढ़नी होगी,
जैसे हम लोग गणित में पढ़ते थे कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 23 87 हो, क्या है 23 87 कौन संख्या हो, जैसे दे दिया 4 या 982, नहीं एक मिनट आप पहले इसको रुक जाइए, इसको यहाँ बताना जरूरी नहीं। ये जो आपका है, आपको जो है अग्र पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, एक संख्या रटनी पड़ेगी 34 78, मतलब तीसरा के साथ चौथा और सातवां के साथ आठवां। आप कहेंगे तीसरा के साथ चौथा ये है और सातवां के साथ आठवां कौन है, 5 6 7, सातवां के साथ आठवां ये है। 34 78 इस संख्या को दिमाग में बैठा लीजिए कि यह अग्र है, जिह्वा के आधार पर क्या है अग्र है। आप कहेंगे एक का जैसे है एक ई ई है और दूसरा ई ए है, क्या है ये तो हम किसमें बताते हैं अग्र में होना चाहिए ना, ये गलत हो गया जी, जो है ई ई हो गया फिर ए ए हो गया, ये हो गए 4, बाकी सब किसमें चले जाएंगे, बाकी सब पश्चिम। तो बेहद आसान है, बस आप चीजों को समझते हुए पढ़ेंगे ना तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि जीव के आधार पर स्वतंत्र प्रकार के मध्य अग्र पश्चिम, मध्य में सिर्फ एक है अ है, अब इधर बचे हैं 10 9, तो इनको कैसे रखा जाए। हम कहें आप एक संख्या रख लीजिए कि आगे से 34 78, आगे से 34 78, जिह्वा के आधार पर आगे से 34 78, 3 के साथ 4 और 7 के साथ 8। तो आप देखेंगे 3 के साथ 4 जो है डबल ई है दो ठो, ए और ए है ए है, तो ये हो गया आपका अगर, बाकी सब आएंगे तो हम ऑप्शन में कर लेंगे पश्चिम। हाँ एग्जाम में हमें टाइम लग सकता है तो आप सबसे पहले जो है 10 को लिख लीजिएगा, लिख के जो है अगर पूछ दे मपस्ट तो आप 34 78 को घेर दीजिएगा, उसके बाद जो है पहलका वाले को घेर दीजिएगा, बाकी जो बचेंगे ऑप्शन के हिसाब से टिक कर देंगे। तो ये स्वरों का इतना खत्म हो गया, आप इसको लिख लीजिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट हम वो क्या बोलते हैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दे रहे हैं, आप टेलीग्राम से नोट्स बना लीजिएगा अगर दिक्कत होगी तब, बाकी जो चीजें हैं आगे हम लेकर के आते हैं। अब देखिए जो है दो चीजें और हैं, एक जो है मुख के आधार पर, दूसरा क्या है ओठ के आधार पर, जीभ के आधार पर हम लोग पढ़ दिए भाई, एक अंदर जीभ है सामने वो ओठ है, एक मुंह का बिहेवियर है, कोई भी शब्द हम किसी के सामने बोलते हैं जैसे हम आपके सामने पढ़ रहे हैं तो कभी कभी आप लोग देख रहे होंगे हमारा चेहरा अलग टाइप का बन जा रहा होगा, तो ये हो गया मुख के आधार पर। कभी कभी आप लोग देखेंगे ओठ वो मतलब कौन शब्द ऐसा कहेंगे कि ओठ में हमारा अलग टाइप का बिहेव करेगा, तो कभी कभी इस पर ध्यान जाता है, कभी कभी क्या होता है कि जीभ पर ध्यान जाता है। तो तीन प्रकार से वर्गीकरण है, पहला जीभ के आधार पर खत्म हो गया, दूसरा किसके आधार पर है मुख के आधार पर, अब तीसरा किसके आधार पर है ओठ के आधार पर। अगर इन दोनों को पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर हिंदी वर्णमाला खत्म पूरे तरीके से, बेहद आसान है। आज तक जो है आप लोग याद करते रहे होंगे तो सही से याद नहीं हुआ होगा, हम एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं कि वो बिना याद किए ही हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल ऐसे ही याद हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, समझिएगा, देखिए क्या है कि कह रहे कि जो है एक विवृत है एक संवृत है, अर्ध संवृत अर्ध विवृत, वृत्त है आधा वृत्त ऊपर से है आधा वृत्त नीचे से है, अर्ध संवृत अर्ध विवृत, समझिएगा। हम यहां से जो है एक वृत्त ये बना लिए एक वृत्त ये बना लिए, अर्ध अर्ध कहा है भाई, एक तो ऊपर से आधा ले लीजिए एक तो नीचे से आधा ले लीजिए तो पूरा वृत्त बन जाएगा कि नहीं, अर्ध ऊपर से अर्ध नीचे से, तो ये अर्ध संवृत हो गया ये अर्ध विवृत हो गया। लास्ट वाले 4 को आपको पकड़ना है, इसको लास्ट वाले 4 को ऊपर से संवृत नीचे से विवृत, तो आप कहेंगे जो है अर्ध संवृत में ए के साथ जो है ओ है और अर्ध विवृत में ए के साथ जो है ओ है, ठीक है। अच्छा इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम बकवास है कि नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज हम और कहे कि भैया जब आप विपरीत पढ़े थे या आप जो है हिंदी में विपरीत पढ़े थे तो जो लास्ट वाला था ना उसके साथ पहलका वाला लगा लीजिएगा, आपको जो लास्ट वाला था यार जो है हम यहाँ से बनाए थे अर्ध विपरीत ओ था, तो जहाँ लास्ट है वहीं पर पहलको लगाना है, तो इसका मतलब कि ओ कहाँ पर आएगा इसमें आएगा,
अच्छा बताइए आसान है कि नहीं? जहां पर लास्ट वाला था वहां पे पहिलका लगाना है। हम कह दिए कि आप जो है हिंदी की क्लास किए थे, परीक्षा में बैठ के, अब आपके दिमाग में आएगा कि यार जहां पढ़ाई के लिए रही तो उम्र का है कि अर्ध समृद्ध अर्ध विपरीत, पीछे से चाट में सटैले रही, ऊपर से समृद्ध आधा होगल और नीचे से आधा विपरीत। तो वहां जो है गुरु जी एक बात बतले रहे कि जो है लास्ट वाला जो है वो पहिलका वाला है, औ के साथ जो है मालूम लास्ट वाला क्या है, औ है, तो उसी के साथ पहिलको वाला है, दोनों कोना जो है, दोनों छोर जो है, दोनों किनारा एक साथ, यानी कि औ के साथ औ। तो ये औ किसमें है? जिसमें अ जाएगा। एकदम बकवास है। अब बात आती है कि चलिए भाई इतना का काम खत्म, इतना का काम खत्म, अब बचे हाई है, कितना है? पांच बचे हैं। कौन बचे हैं? पांच। तो ये कहाँ जाएंगे? पहिलका वाले को विपरीत में लिख लीजिए आ को, बाकी चार को जो है इसको ऊपर डाल दीजिए, नॉर्मल एकदम खत्म। एकदम आसान है, समृद्ध है विपरीत है, विपरीत में आप पहिलका को डाल दिए, समृद्ध में बाकी चार को डाल दीजिए। अगर आपको लगे कि किसमें किसको कर, तो आपका समृद्ध और विपरीत है, अर्ध समृद्ध अर्ध विपरीत। कैसे आप याद किए कि भाई अर्ध विपरीत पहले हमको आधा आधा बनाना था, पीछे से हम आधा आधा बनाए थे कि जो है ऊपर से समृद्ध दो ठो हो गए और नीचे से विपरीत, अर्ध समृद्ध अर्ध विपरीत। आज जो एकदम अंतिम था इसके साथ हम लगा दिए पहिलका वाले को। अब जो बचे कुचे हैं इसमें एक मिला जो है विपरीत है पहिलका वाला, और बाकी चारों क्या है? समृद्ध है। अब कभी भी नहीं बोलेंगे, बस आप ऐसे लिख लीजिएगा, जब भी एग्जाम में प्रश्न आए तो आपका एक मिनट लग जाएगा मगर गलत नहीं होगा। आप ऐसे लिख लीजिएगा, मारिका खटल अर्ध समृद्ध अर्ध विपरीत, पहिलका वाला चला गया उसमें बाकी पांच है, पहिलका विपरीत है बाकी चार समृद्ध है, काट पिट के चिकन कर देंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे अगर ऐसे आप याद कर गए तो। फिर क्या है? ऊंट के आधार पर, ये तो महान बकवास है, ये तो आप खुद से कर लेंगे, हम क्या कहेंगे ये आपको याद हो गया। हम कह रहे हैं ना कि देखिए अभी हम पढ़ाए नहीं, आपको याद हो गया। एक क्या है? वृत्त मुखी, या दूसरा क्या है? अवृत्त मुखी। आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना, ये विवृत और संवृत है, जबकि यहाँ सिर्फ वृत्त का बात कर रहा है कि एक बार पूरा वृत्त, एक बार ना वृत्त, बिल्कुल वृत्त ना, आधा आधा का बात नहीं कर रहा है। विपरीत संवृत्त अर्ध विपरीत अर्ध संवृत्त वो अलग चीज है। ये मुख जुड़ा है इसमें, क्या जुड़ा है? मुख। तो कह रहा है जो कि वृत्त मुखी और अवृत्त मुखी, तो वृत्त मुखी वृत्त अवृत्त आपके दिमाग में होना चाहिए, एक तो वृत्त एक तो नावृत्त, वृत्त अवृत्त, वृत्त एक तो है एक तो नावृत्त है, तो कैसे बनेगा? हाई लिखे हैं, ठीक है, इतना लिखा है। सेंटर आप लोग सुने हैं, सेंटर का नाम, सेंटर पर बिंदु होता है, जैसे हम लोग वृत्त पढ़ते हैं तो इसके अंदर जो सेंटर होता है, सेंटर पर एक बिंदु होता है, बिंदु गोलाकार होता है, वृत्त मुखी, यह पूरे वृत्त का मुख होता है। ये जो सेंटर है पूरे वृत्त का क्या होता है? मुख होता है, वृत्त मुखी। अब बात आती है वृत्त मुखी सेंटर है, तो सेंटर से हम क्या कहना चाहते हैं भाई? आप इसमें सेंटर खोजिए, आप कहेंगे चार ठो इधर से हटा दा और चार ठो जो है इधर से हटा दा, तो है जो दो ठे बचे वो सेंटर हो जाएंगे। पढ़े कि नहीं माध्यमिका बहुलक? अरे भाई चार के आधा इधर से निकल गए, चार ठो आधा उधर से निकल गए, और किसी अगर आप एक को पकड़ेंगे तो एक तरफ चार ठो हो जाएंगे, एक ठो पांच हो जाएंगे, तो वो तो सेंटर बन ही नहीं पाएगा। अगर सिर्फ आप एक ओ को पकड़ते तो कहते कि इधर चार ठो हो गई ना, उधर यहाँ पांच ठो हो गया, तो सेंटर बनते ना। अब दो ठो सेंटर बनाना है तो यह दोनों पकड़ेंगे तो सेंटर बनेंगे ओ, तो आप कहेंगे वृत्त का सेंटर वृत्त मुखी चला गया, खट दे आप मारेंगे ओ और ओ लिख रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा ओ और ओ हो गया कि नहीं हो गया? सेंटर पर दो याद हो गया। अब दो कैसे याद करना है? अच्छा देखिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओ ओ कैसे लिखते हैं? आप कहेंगे गोलाकार, ओ को आप पढ़िए ओ, तो हाई जो ओ है कैसा होगा? गोलाकार। भाई जो इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं ओ फॉर ऑरेंज, तो ओ अब ओ कैसा होता है? गोलाकार। तो जो ओ बोल रहे हैं तो ये ओ कैसा होगा? गोलाकार। तो ओ किस में जाएगा? वृत्त मुखी में जाएगा, ओ के साथ औ को भी लेते जाए, दोनों एक का जैसा दिख रहा है, ओ ओ ओ दोनों एक ही जैसा है। इंग्लिश में ओ को हम लोग बोलते हैं तो ओ को लिखते हैं गोलंबर जैसा, गोलंबर का मतलब गोलाकार। तो ये चला जाएगा ओ और ये चला जाएगा औ, चार ठो हो गए, बाकी सबको ढकेल दीजिए नीचे। कौन सा है कहेंगे? अ है, आ है,
ई है, ई है, फिर ए है, ए है। बाकी सबको आपको याद करने की जरूरत है नहीं। अगर आप आधा जान गए ना कि भैया जो सेंटर में, हमको पहले तुरंत खटन तौसों को लिख लिया, सेंटर खोजना है, सेंटर में ऊ मिल गए, चार इधर खत्म, बीच में मिल गए सेंटर, और सेंटर वृत्त का केंद्र होता है वृत्तमुखी। क्या होता है? वृत्तमुखी। सेंटर पॉइंट डाल दिए तुरंत इसमें वृत्तमुखी में। अब उसके बाद जो इंग्लिश में जो ओ शब्द होता है, मुहा से बोलते हैं ओ, मुहा से बोल रहे हैं ओ, अली के कह रहे हैं गुल्ला, तो गुल्ला कैसा होगा? वृत्तमुखी, वृत्त के जैसा होता है, तो ओ के साथ ओ चला गया। बाकी है चारों तो वो पीछे से चट्टो थे, ऊपर से समृद्ध, नीचे से विपरीत। अब पहले का कोना के साथ उठा लिया दूसर का कोना को, है जो बाकी पांच बचे हैं, इसमें पहला विपरीत हो गया, बाकी चट्टो समृद्ध हो गए। जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, ये पहली बार एक बेहतर